चतुर, हाउ इज द जोश नाउ? इन स्माइलिंग फेसेस के पीछे काफी हार्ट बीट तेज चल रही है. ओ ऋषभ, वहीं पे रुक जा. शिवम इज कॉन्फिडेंट बट ही इज नॉट कॉन्फिडेंट कि हम चल पाएंगे. ये जो आप zigzag करके रास्ता देख रहे हैं, हमें ऊपर जाना है और वो यहाँ पे ऋषभ खड़ा हुआ है. गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डे 3 फ्रॉम मसूरी. सो नाउ अभी सुबह बज रहा है 4 और अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स जॉर्ज एवरेस्ट बिकॉज वी आर टारगेटिंग कि अच्छा सा सनराइज देखें. और ऐसा शिवम कह रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रैक व्रैक अच्छा होगा तो हमें थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना होगा. तो अभी हम सब लोग निकल चुके हैं. कल रात में मॉल रोड से आते हुए 12 बज गया एंड एक्सेप्ट मी नोबडी हैड स्लीप. मुझे डर है ये सब ट्रैक के बीच में ही ना सो जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, अभी हम बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में और ये मेरा ऑफिस कलीग वेट कर रहा है मेरे आने का. तो चलिए अब इनको बैठाते हैं और अपना जॉर्ज एवरेस्ट तक का सफर हम शुरू करते हैं. बोलो बजरंगबली बाबा की जय. शिवम ने एक प्रो टिप दिए है कि कोई भी शॉर्ट्स पहन के नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे बिच्छू घास मिल सकती है और कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे मिल सकते हैं जो हो सकता बाइट कर लें. और रास्ते में अगर हमें लाल मिर्च या नमक मिलेगा तो वो भी रखने को बोला गया. जॉर्ज एवरेस्ट की जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है उसी हम तक हमें जाना था अगर रास्ता खुला होता. सो हमारा ट्रैक वहाँ तक शुरू होता बट नाउ वी हैव टू कवर एडिशनल डिस्टेंस यू नो टिल द म्यूजियम. सो अभी बज रहा है 4:51 और जहाँ पे गाड़ी रुकी थी वहाँ से ऑलमोस्ट कितना 1 किलोमीटर हम आगे. तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है. माइसेल्फ एंड शिवम आर वेटिंग फॉर चतुर, ऋषभ एंड राम्या टू कम. सो गाइस, आई एम नॉट श्योर आपको बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ आ रही है कि नहीं बट दिस साउंड इज सो सूथिंग. ऐसा लग रहा है हम थोड़ा लेट हो गए फॉर सनराइज बट जो भी है जैसा भी है कैप्चर करके तो आएंगे. गुड मॉर्निंग. पार्किंग बस आ गए सामने. चतुर, हाउ इज द जोश नाउ? इन स्माइलिंग फेसेस के पीछे काफी हार्ट बीट तेज चल रही है. हाउ आर यू फीलिंग राम्या? टू गुड यार, टू गुड. चलो देन वी शुड कंटिन्यू. सो अभी हम ऑफिशियली पार्किंग तक आ चुके हैं जहाँ से ऑन पेपर ट्रैक शुरू होता है. ये है पार्किंग और हमें इस पहाड़ की चोटी तक जाना है. इस पॉइंट से हम अंदर आए हैं एंड लुक एट द व्यू ऑफ दिस पार्किंग. अभी थोड़ा सा क्लाउडी दिख रहा है यहाँ पे और ये मिनी मिनी हट जो दिख रही है ये एज पर शिवम ये सारी शॉप्स हैं. तो जब थोड़ी ज़्यादा गर्दी हो जाती है यहाँ पे गाड़ियों की लोगों की तो दीज शॉप्स यू नो यू कैन सिट हेयर एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम. एंड ऑफिशियली हमें इस रास्ते से ट्रैक करते हुए जाना है. तो अभी हमने इस ट्रैक को स्टार्ट कर दिया है. ऋषभ बहुत जोश में है. ही सेइंग कि 10 मिनट में कितना कवर करोगे ऋषभ? How much you will cover? In 10 minutes he is targeting. तो हमारे कैमरामैन आगे जा रहे हैं. अगर हम नहीं पहुंच पाए टाइम से तो वो शॉट लेना शुरू कर देंगे. एंड दिस इज द पार्किंग एरिया जो हमने दिखाया वहाँ से 900 meters है एज पर द बोर्ड. बाकी लेट्स सी. थोड़े थोड़े नज़ारे दिखना शुरू हो गए. ये है वैली व्यू. अमेजिंग यार, ये छोटे छोटे कैंप्स लगाए हुए हैं. शिवम, इनका कितना रेंट रहता है इन कैंप्स का? ओके, अब यहाँ से और भी ज़्यादा है. ये जो आप zigzag करके रास्ता देख रहे हैं हमें ऊपर जाना है और वो यहाँ पे ऋषभ खड़ा हुआ है. काफ़ी ऊपर पहुँच चुका है. एंड ऋषभ, वहीं पे रुक जा. गाइस, ये है पॉइंट. इसके आगे पूरी खाई है.
एंड लुक एट द वैली व्यू, लवली। और वो एक छोटा सा जो आप गार्डन टाइप का एरिया देख रहे हैं, वहां से हमने पार्किंग एरिया से स्टार्ट किया था। अभी आई थिंक हम कितना 300 मीटर आए होंगे, 400 मीटर, 400 नहीं 300 आए, 300 मीटर तक आए हैं। थोड़ा स्टीप हो गया यहाँ से, लेट्स सी। अभी हमारा टारगेट है उस पीक तक जाना। गाइस ये पूरी सीढ़ियाँ हैं, इस पॉइंट तक तो एटलीस्ट मुझे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ दिख रही है, बट बेबी स्टेप लेते हुए हम चल रहे हैं। शिवम ने सबका जोश हाई कर रखा है। अच्छा ट्रैक है। अभी हम इसके बाद मुझे नहीं पता क्या आएगा, बट लेट्स सी। लोगों ने शायद ये भी कुछ शॉर्टकट लिया हुआ है, बट आई डोंट नो सही है कि नहीं। मजाक मजाक में हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं हम इतना थक चुके हैं सब है। इवन तो हमने सिर्फ अभी 500 मीटर ही कवर किया है आई थिंक सो, लेकिन काफ़ी स्टीप था। और अगर आप ट्रैक देखो तो बहुत ही पतला मार रास्ता है ये, कैमरे में नहीं दिख रहा है इतना स्टीप, लेकिन रास्ता सच में बहुत स्टीप है। प्रॉब्लम इस कि हमारे पास जो बैग है उसमें पानी नहीं है, और जिसमें पानी है वो ऋषभ लेके चला गया। हाउ मच मोर टू गो शिवम? 200 meters. नाउ वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्टकट। शिवम इज कॉन्फिडेंट बट ही इज नॉट कॉन्फिडेंट कि हम चल पाएंगे। ओके इस पॉइंट तक का ये शॉर्टकट है, अदरवाइज ये रूट है ये वाला, यहाँ से चतुर गया हुआ है। और राम्या शिवम स्टार्टेड वॉकिंग, तो चलिए हम भी चलते हैं। आप देख सकते हैं इतना चौड़ा है यहाँ से, लाइक दिस वी हैव टू गो। गाइस ये रास्ता था अगर आप देख पा रहे हो, और वहाँ कहीं से हमने एक शॉर्टकट लिया, और इधर से काफ़ी टफ है सच में। ये देखिए ज़रा सा भी पैर फिसला और सीधे हम वैली में चले जाएंगे। तो गाइस शिवम वहाँ तक पहुँच चुका है, एंड ही इज़ कॉलिंग अस कि जल्दी आओ, अदरवाइज वी विल मिस सम व्यू। तो थोड़ा सा रन कर लेते हैं। ओके सो हम आई थिंक टाइमली आ गए। हाँ टाइमली आ ही गए। चलो आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट अब हम ये पॉइंट आप देख सकते हो, ये सनराइज हो रहा है अभी। अभी हमें थोड़ा सा और ऊपर जाना है, आप देख सकते हो ये दो चार लोग ऊपर खड़े हैं, उस पॉइंट पे जाके हमें रुकना है और वहाँ से सनराइज को देखेंगे हम। कैमरा इज लिटरली नॉट डूइंग द जस्टिस, लेकिन ये रास्ता बहुत अच्छा है, ट्रैक बहुत अच्छा है, व्यू बहुत अच्छा है। और अब आप इंजॉय करिए ये सुंदर सा सनराइज। Thank you.
तो अभी हमने बहुत स्टनिंग फोटोज खींच ली हैं, ऋषभ ने बहुत मस्त मस्त फोटो खींच दी हमारी। तो अब यहाँ से उतरना है, बहुत ही बड़ा टफ टास्क है यहाँ से उतरना। एंड यू गाइस कैन सी कि राम्या, शिवम एंड चतुर धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं, सो वी विल ऑल्सो स्टार्ट एंड ट्राई टू यू नो गेट डाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से उतरना और कैप्चर करते हैं अपना डर और फियर। तो गाइज हम इस टॉप से अभी नीचे आए हैं, हार्डली 5 मिनट लगा मैं उतरने में, लेकिन आप देख सकते हो इस जगह पे काफ़ी टूटे पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, तो दो स्लिप कर रहे हैं पैर रखने पे। सो द की इज़ कि आपको थोड़ा सा पैर को अपने नो एंगल में बेंड करके रखना है एंड यू हैव टू स्टिक योर फिट फर्स्ट, उसके बाद उतरना है। हाँ वही, तो ये काले काले पत्थर ही तो दिख रहे हैं, तो वो कह रहा था इसके पीछे कोल कोल का इस वो है सॉकेट। सी गाइस इतने पास हमारे काई है, काफ़ी दूर है अभी ये पार्किंग का स्पॉट दिख रहा है, हालांकि ये दिख रहा है दूर बट हार्डली ये 15 से 20 मिनट तक का डिस्टेंस है। और ऐसे उतार चढ़ाव भरे रास्ते, और ये रहे शिवम, राम्या एंड चतुर, दे आर टेकिंग बेबी स्टेप्स। सो गाइस हम उस टॉप से नीचे आ चुके हैं अभी, और बस पार्किंग पास में ही है। तो वी हैव ट्रैवल्ड अराउंड डाउन हिल्स 800 मीटर्स के अराउंड हमने चल चुके हैं, और यहाँ पे एक पिट स्टॉप कुछ बने हुए हैं, मोमोज, चाउमीन एंड डिफरेंट थिंग्स एज ए ब्रेकफास्ट यू कैन हैव। सो ये सारे ऑप्शंस हैं, बट कुछ इसमें आफ्टरनून में मिलते हैं, कुछ मॉर्निंग में। एंड नाउ वी आर टारगेटिंग फॉर सम चाय एंड कॉफ़ी। सो दोस्तों ये हैं, हम यहाँ पे रुके हैं अपने नाश्ते पानी के लिए, अभी सारे लोग स्लीपी हैं। और ये देखिए सामने का व्यू, पूरा वैली व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी सनशाइन है, इस जगह पे अच्छी खासी सनशाइन है जहाँ हम खड़े हुए हैं। और उधर देखिए कितने बादल वगैरह छाए हुए हैं, कितना क्लाउडी प्लेस हो रखा है, लुक एट दिस ग्रीन ग्रीन वैली। तो गाइस देखिए मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ब्राइट एंड सनी है, और लुक एट द शिफ्ट ऑफ द वेदर, यहाँ पे पूरे काले बादल छाए हुए हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊँ हम इस पर्टिकुलर पीक से होकर आए, तो देखिए यहाँ पे कितनी जल्दी मौसम बदल जाता है। तो अभी हमने जर्नी अपनी नीचे के लिए स्टार्ट कर दी है। अभी सिर्फ 7 बजा हुआ है, और आप देखिए कितना गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ से। अभी मैं देहरादून से सिर्फ एग्जिट हो रहा हूँ, गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है।